गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप यू ऑल विल बी एंजॉयिंग योर गूगल क्लासेस। स्टूडेंट, यू नो दैट इन लास्ट टाइम, इन लास्ट सेशन, वी डिस्कस्ड अबाउट अ कंप्यूटर, अ मैजिक मशीन। इट वॉज अबाउट द चैप्टर नंबर फर्स्ट, एंड इन दिस चैप्टर वी डिस्कस्ड अबाउट सो मैनी थिंग्स। आई थिंक यू ऑल हैव रिमेंबर्ड दैट थिंग्स, लाइक एज वी डिस्कस्ड अबाउट introduction to computer, that computer is a magic machine because it can help us in so many ways. ये machine हमारी बहुत तरीके से मदद कर रही है बच्चों, and every part of our life it is affecting us और हमको प्रभावित कर रही है. So we need to understand कि computer में कैसे काम किया जा सकता है. We study about different types of machines like as manual machine, like as electronic machine, and we know about विच वन इज़ द मैनुअल वर्क। मैनुअल वर्क क्या होता है, मशीनी वर्क क्या होता है। विद द हेल्प ऑफ मशीन, इफ वी डू सम वर्क, दिस इज कॉल्ड मशीनी वर्क। जब हम मशीनों की सहायता से अपना काम करते हैं, और जब हम अपने हाथों से अपना काम करते हैं, तो इसको बोला जाता है मैनुअल वर्क। सो इन टूडे सेशन, इन टूडेज लेक्चर स्टूडेंट्स, वी विल टॉक अबाउट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन पे ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 वी विल स्टार्ट, और इसमें हम पढ़ेंगे द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। स्टूडेंट्स, लाइक एज आवर ह्यूमन बॉडी, जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी होती है बच्चों, इस ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। लाइक एज हेड, दिस इज आवर हेड, एंड वी कैन से इट माइंड ऑल्सो। वी हैव आईज, वी हैव नोज, एंड वी हैव हैंड्स। इन द पिक्चर यू कैन सी सो मैनी पार्ट्स। सो विद द हेल्प ऑफ दीज पार्ट्स, इन पार्ट्स की मदद से हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, हम अपने हाथों की मदद से लिख सकते हैं, हम अपने हाथों की मदद से किसी भी चीज़ को पकड़ सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से दिमाग की मदद से हम विचार कर सकते हैं, हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। इन द सेम वे स्टूडेंट्स, कंप्यूटर हैव सो मैनी पार्ट्स, हमारे कंप्यूटर के पास भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। विद द हेल्प ऑफ दीज पार्ट्स, वो क्या करता है, अपने बहुत सारे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर स्पीकर। स्पीकर क्या करता है, जो कंप्यूटर के अंदर जो भी प्ले म्यूजिक प्ले हो रहा है, उसको हमें वो क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है। ओके, सो दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग बेटे। तो आपको ध्यान से इस चैप्टर के बारे में देखना है, जो भी मैं आपको बताऊंगा, यू नीड टू फोकस योर अटेंशन। नाउ यू कैन सी देयर इज कंप्यूटर पार्ट्स, आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे कंप्यूटर पार्ट्स। यस, फर्स्ट वन इज हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। यस, फर्स्ट वन इज देयर इज मॉनिटर, ये हमारे पास मॉनिटर है बच्चों, एंड दिस इज कंप्यूटर, एंड वी कैन से इट सीपीयू आल्सो। इसी कंप्यूटर को सीपीयू बोला जाता है, एंड कीबोर्ड, ओके, एंड माउस, एंड स्पीकर, एंड प्रिंटर। These are the some parts, but today we will talk about हम किस किस चीज़ के बारे में बात करेंगे, मॉनिटर के बारे में बात करेंगे, कीबोर्ड के बारे में बात करेंगे, माउस के बारे में बात करेंगे, ओके, एंड हम कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे। इसी को हम बोलते हैं CPU, ओके, CPU के बारे में हम बात करेंगे बेटे। सो नाउ लेट्स मूव। जिस तरीके से हमारे बॉडी पार्ट्स हमारी मदद करते हैं, इन द सेम वे These parts helps to computer. ये parts computer की भी मदद करते हैं। Now, in this picture, students, आप लोग देख सकते हैं, there is a monitor. और monitor का काम क्या है, दिखाना। जो computer के दिमाग में चल रहा है, उसको monitor तक, monitor पे दिखाना, display करना। तो it's a display unit. इसको display unit बोला जाता है बच्चों। In this display unit, आप लोग देखेंगे, कोई भी मॉनिटर होता है, उसके पास दो वायर्स होती है। एक वायर को बोलते हैं बेटे वीडियो केबल। ये वीडियो केबल सीपीयू से लगा हुआ होता है, और जो भी इंफॉर्मेशन सीपीयू से आती है, उस इंफॉर्मेशन को मॉनिटर तक लाता है। और जो दूसरा वायर है बेटे, दिस वायर इज नोन एज पावर केबल। ये वायर हमारा पावर केबल होता है, पावर सोर्स से जुड़ा होता है, एंड देयर आर सम बटन्स जो जिससे कि हम इस मॉनिटर को ऑन या ऑफ कर सकते हैं, इसका कलर सेट कर सकते हैं। There are so many buttons. And now, नए नए तरीके के monitors market में आ रहे हैं, जैसे curved monitor. Curved इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि बेटे ये this is not flat.
ये घुमा हुआ मॉनिटर है, इस तरीके से घुमा हुआ मॉनिटर है, दैट्स वाई दिस इज नोन एज कर्व्ड मॉनिटर। सो मॉनिटर का ये काम है बेटे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, दिस इज CPU, एंड CPU इज द मेन ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। विद द हेल्प ऑफ CPU, CPU कैन कंट्रोल ऑल द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इसी को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है बच्चों। ये कैलकुलेशन कर सकता है, ये कंट्रोलिंग कर सकता है, ठीक है। और जब हम CPU को खोल करके देखते हैं तो वी कैन सी सो मेनी कंपोनेंट्स इनसाइड इट। इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हम देख पाएंगे। देर आर सो मेनी कंपोनेंट्स लाइक ए CPU कूलर। CPU कूलर क्या है? जब हमारा CPU बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो उस समय मदद करता है CPU को ठंडा करने के लिए। ओके, दिस इज CPU। एंड रैम, कंप्यूटर के पास उसकी अपनी मेमोरी है, मदरबोर्ड है, तो ये सारी चीज़ें मदरबोर्ड में जुड़ी रहती है। एज जैसे जैसे हम सीखेंगे बच्चों, नेक्स्ट क्लासेस में हम जाएंगे, वी विल अंडरस्टैंड दीज कंपोनेंट्स मोर बेटर। ओके, नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड ओनली दैट मच दैट CPU इज ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर एंड CPU कैन कंट्रोल ऑल द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो ये CPU का काम है बच्चों। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, देखें नेक्स्ट वन में क्या है। नाउ वी विल टॉक अबाउट कीबोर्ड। यू नो कि हम कीबोर्ड की मदद से क्या करते हैं। सपोज आपको कभी कोई लेटर टाइप करना है, वी कैन यूज़ द कीबोर्ड। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कीबोर्ड, व्हाट इज़ कीबोर्ड। सो इन दिस पिक्चर यू कैन सी अ बोर्ड, एक बोर्ड है और उस बोर्ड के ऊपर छोटी छोटी कीज हैं बेटे, लाइक दैट। नाउ आप बोर्ड पर ध्यान दीजिए, ये कीज़ हैं, इस तरीके की बहुत सारी कीज़ हैं। तो ये अलग अलग कीज़ होती हैं बेटे, जो अलग अलग काम करती है। सपोज देर आर A to Z ऑल अल्फ़ाबेट्स कीज आर हेयर, यहाँ पर सारी अल्फ़ाबेट कीज़ हैं बेटे। दीज अल्फ़ाबेट कीज़, विद द हेल्प ऑफ दीज कीज़ आप क्या कर सकते हैं, A to Z कोई भी लेटर टाइप कर सकते हैं। एंड देर इज 1 to 9, 0 to 9 ऑल नंबर्स आर देयर, दीज आर कॉल्ड नंबर की, इनको नंबर की बोला जाता है। फॉर रिमूविंग द लेटर, कोई लेटर गलती से आपने लिख दिया, उसको आपने मिटाना है, तो यू कैन यूज़ बैक स्पेस की दैट टाइम, डिलीट की दैट टाइम। एंड दीज आर द डायरेक्शन कीज, और यू कैन से इट एरो कीज। फॉर प्लेइंग अ वीडियो गेम, फॉर वर्किंग इन अ डॉक्यूमेंट, दैट टाइम वी यूज इट। एंड सम कीज आर नोन एज शिफ्ट कीज, कुछ शिफ्ट कीज होते हैं। ओके, बहुत हेल्पफुल होती है जब हम काम करते हैं कंप्यूटर में। एंड सम कीज आर नोन एज एंटर की, ओके, जैसे आपको नई लाइन ब्रेक करनी है, कैप्स लॉक आपको कैपिटल लेटर में लिखना है, यू नीड टू टैप ऑन दैट प्रेस कैप्स लॉक। व्हेन कैप्स लॉक विल ऑन, तो कीबोर्ड आपको कैपिटल लेटर दिखाएगा, जब कैप्स लॉक ऑफ होगा तो कीबोर्ड आपको स्मॉल लेटर में दिखाएगा। ओके, सो इट वॉज द अबाउट कीबोर्ड बेटे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अब यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों आप लोग, यू कैन सी क्लियरली दैट देयर इज टू इमेजेस, दो इमेज यहाँ पर हैं बेटे माउस की। एक तो माउस हमारा बंद है, एक माउस हमने खोल करके देखा हुआ है। सो एवरी माउस हैज़ द सेम फंक्शन। बहुत सारे माउस मार्केट में हैं, लेकिन अभी हम जो माउस पढ़ेंगे, इस तरीके का माउस अधिकतर कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है। ओके, नाउ यू कैन सी ये जो माउस का ये वाला पार्ट है बेटे, दैट पार्ट इज़ नोन एज लेफ्ट बटन, और ये जो दूसरा वाला पार्ट है इसको बोलते हैं राइट बटन। राइट डायरेक्शन वाले पार्ट को राइट बटन, लेफ्ट डायरेक्शन वाले बटन को लेफ्ट बटन बोलते हैं, ठीक है, जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड को होगा। और जो बीच में एक व्हील टाइप का आपको दिखाई दे रहा है, दिस व्हील इज नोन एज स्क्रॉल व्हील। ओके, एंड जब हम लेफ्ट बटन को दबाते हैं बेटे, जब प्रेस करते हैं, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट क्लिक। व्हेन वी प्रेस राइट बटन, दिस प्रोसेस नोन एज राइट क्लिक। एंड जब हम व्हील को घुमाते हैं, इसको बोलते हैं स्क्रॉल व्हील, स्क्रॉलिंग। ओके, और देर आर टू टाइप्स ऑफ माई माउस इन द मार्केट नाउअडेज, वन इज वायर्ड माउस एंड वन इज वायरलेस माउस। एंड दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द माउस, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। एंड आप जब काम करेंगे बेटे, स्क्रीन पे आपको माउस इस तरीके का दिखाई देगा अपने डेस्कटॉप में, अपने कंप्यूटर में। और समटाइम जब आपका कंप्यूटर बिजी है, दैट टाइम योर कंप्यूटर विल शो यू माउस इन दिस फॉर्म, इस तरीके का आपको दिखाई देगा। एंड व्हेन यू विल टाइप अ लेटर, योर माउस पॉइंटर विल कन्वर्ट, आपका माउस पॉइंटर
आई शेप में हो जाएगा, दीज शेप्स, इसका मतलब है वो लिखने के लिए तैयार है। ओके नाउ इट विल बी इनफ फॉर टुडे। हमने देखा कि किस तरीके से कंप्यूटर के पार्ट्स, हाँ, कंप्यूटर की किस तरीके से मदद करते हैं। दे आर नॉट हेल्पिंग कंप्यूटर ओनली, दे आर हेल्पिंग अस, ये हमारी भी मदद कर रहे हैं बेटे। ओके एंड नाउ एज यू कैन सी ऑन द पिक्चर, हमको कोरोना वायरस को भगाना है, हमको उससे हम अपने पास नहीं फटकने देना है, तो फॉर दैट पर्पज वी नीड टू वॉश आवर हैंड एंड वी नीड टू यूज सोप, नेवर शेक हैंड्स नावर डेज एंड अवॉइड कॉन्टैक्ट, वियर मास्क। सो वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन बी सेफ एंड बी हैप्पी एंड थिंक अबाउट कंप्यूटर, वी विल टॉक अबाउट कंप्यूटर, बाय बाय।